इंडिया में अब तक कई कारें लॉन्च हुई हैं। सांड्रो एम्बेसडर मारुति 800 जैसी कारें तो आपको याद ही होंगी। पुराने समय में ये कारें काफी पॉपुलर हुआ करती थीं। इस बीच आपको इंडिया में कुछ बेहद अजीब गाड़ियां भी देखने को मिलेंगी। ये है हिंदुस्तान मोटर्स की वीर पिकअप ट्रक। ये कार आपको हिंदुस्तान एम्बेसडर की याद दिलाएगी। इस पिकअप ट्रक को पूरी तरह से एम्बेसडर के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया था। इस पिकअप ट्रक को शायद किसी ने भी नहीं खरीदा था। हिंदुस्तान वीर से ज्यादा अजीब यहाँ पे दूसरी कार है। इस कार का नाम है सिपानी बादल। इस कार में सिर्फ 3 पहिए थे और इसमें 198 सीसी का इंजन मिलता था। ये कार बिल्कुल एक खिलौने की तरह नजर आती थी। इंडिया की सबसे अजीब कारों में से यहाँ पे तीसरी कार टाटा स्पेसियो है। सुमो के सस्ते मॉडल के रूप में टाटा मोटर्स ने स्पेसियो को लॉन्च किया था। हैरानी की बात ये है कि इसमें 3 लीटर का डीजल इंजन मिलता था। ये इंजन टाटा के 407 ट्रक से लिया गया था। टाटा स्पेसियो के बाद यहाँ पे है टेम्पो हानसीट। 1960 में इसे फोर्स मोटर्स ने लॉन्च किया था। अभी भी आपको भारत के कई गांव में ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने के लिए इसे बनाया गया था। ये आखिरी गाड़ी है जिसका नाम है जुगाड़। इसे किसी भी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया था, इसीलिए इस गाड़ी का नाम जुगाड़ पड़ा। भारत के कई जगहों पे इसे छकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे अजीब या फिर कहें सबसे अलग गाड़ियाँ। ये गाड़ियाँ आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगी। तो कमेंट करके आप हैं बताएं कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपको सबसे अजीब लगी। और दोस्तों, ऐसे ही ऑटो अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you.